जय गौ माता स्थे किसी बीटी, जय गुरु संचार संदेशी, जय राम जी। बोलते अक्टूबर अगले साल की काट दी थी मैंने, तो मेरा खाना का सब्जी हो जाएगी और गन्ना लगाने का है। बाजरा के बाद फिर से गन्ना लगाने का सब्जी चल जाएगी मेरी घर। कुछ बात नहीं डाला, इधर से काटी थी, देखो इधर से काटी थी दूसरी, आगे इधर दोबारा चल रही है। तू इधर देखो, सब दोबारा चल रही है पारे पे। और मेरी हरे तिल की खाद है, और स्प्रे लगाने का मौका आ गया मेरे को। स्प्रे लगाऊंगा आज शाम को, वो मेरा आग का रसायन है, पपीता का है, सब मीठा डालने वाला हूँ। एक एक लीटर, 200 लीटर में 3 लीटर हो जाएगा पपीता, पची 1.5-2 लीटर और बिलो रसायन डालूँगा। फिर पपीता और केला का 1-1 लीटर डालूँगा। 200 लीटर बैरल भरा है कुएँ पे, वहाँ अभी डाला है, डाल के आया हूँ, शाम को मारूँगा स्प्रे। देखो जूनी तुअर कैसी है, अमुक जगह फूल आता है, अमुक जगह ऐसा आता है, इधर भी स्प्रे लग जाएगा। अभी अगले साल तुरिया लगाया था, इस साल की तुरिया है, काट दी थी फिर ग्रोथ हो गई। इसके फूल आने के देर है, वो लंबी तुरिया लगती है, सावनी तुरिया होती है ना, तो सावनी महीने में लग जाती है। तिल की हरी खाद फूल अवस्था में आने की तैयारी है, एक स्प्रे लगाऊँगा 10-15 दिन के बाद इसको रोटावेटर फेर दूंगा। जय गौ माता। पारा पर वो लुबिया बोलते हैं, चौरा लगाया फिर से, और नई हरहर गोपी का बीज लगाया है नीचे से भी पारा पे। लेबर से साफ किया था पारा, फिर लगाया था दूसरी गोभी। लेबर ने हाथ इतने लग भारी कचरा था, एक बार तो सरगा दिया मैंने, आज दोबारा देखो तो इसका कचरा था क्या, नहीं तो सब जगह रुको हुआ गया, पहले तो हुआ तो खादर बन जाएगा। इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ, सरगाने वाला नहीं हूँ, कंपोस्ट करूँगा। देखो चौरा कैसा है और हरी तली देख लो। तिल की हरी खाद खेत में कार्बन के लिए फिक्स करने के लिए। वहाँ से चलता चलता आया हूँ, खेत तो पूरा भर जाएगा 15 दिन में। देखो मेरे सजन के में फूल आ गए, सजन भी 12 महीना चलता है। देखो सिंग है, एक दो सिंग मिलती है, देखो इधर भी है, वहाँ थोड़ी कूड़ी है, देखो इधर दूसरी है। सिंग को तो मिल रही है, सजन के फूल भी आ गए। ओ चकला का मारा देखो, जितना कंप्लीट होगा वही अंदर बच्चा और इंडा मुका होगा, बाकी बीजा क्लास हो गया, नीचे खड़ गए। वहाँ सेवन पर है ना, सेवन वाला सब मारा सही है, 2-3 गिरा है। इधर सब गिर गया, बहुत मेहनत हो गई इसकी। भिंडी लगाई है इधर डोर का दो एक वेला लगाया है, करेला लगाया है, परवल का 1-2 वेला लगाया है। देखो परवल का वेला चल रहा है, और दूसरी वनस्पति की चक्री की वेली है, इसको निकालना पड़ता है। तुरिया बोलते हैं ना, तुरिया का है मेरा, वो भिंडी है, वो पाचे लुबिया चौरा है, और तुरिया का पौधा बारिश के टाइम इधर को तरा पड़ा था मेरा पानी का, वो दूसरा खेत वाला कहता है ना पूरा भर जाता है, तो मिट्टी तो लाया था, फिर बाद में इधर निकाल सी बनाई थी वो कैनल के कुएं में से चन के बनाया था। 6-7 इंच बारिश गिरी तो ऊपर से इतना टेक रहा था, तो भी पानी कूद के निकल गया। जय गौ माता। अब मेरी तली 15 दिन में रोटावेटर फिर जाएगी, आज स्प्रे लगाऊंगा इसके ऊपर, और एक स्प्रे पे नहीं लगाया।
आज मैंने बना दिया, फिनिश कर दिया, शाम को लगा दूंगा, 5-6 पंप खुद लगाऊंगा, पहले फूल अवस्था में आ गई। जय गौ माता। जाम का बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा कंकोला बोलता है ना, कंटोली, इसका कंद लगाया था मैंने, देखो खाता हूँ, कल तोल गया था, केला भी टूट गया। वो आगे सब पारा पे इधर कंटोला है, लुपिया है, वो मेरा तली है। और मैं अभी मिक्स करके गया था ना, वो बताता हूँ, 1 लीटर आग का रसायन डाला है, केला का है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर बिलो रसायन डेल दिया लगा था, 2 लीटर ला दिया। और बहुत मीठी खुशबू आती है पपीता का, 1 लीटर थोड़ा बहुत था, देखो कैसा बोल रहा है। सीधा स्प्रे करने वाला हूँ जमीन धरती माता के ऊपर। और मेरा पौधा है, एप्पल बोल है, लीम करी पत्ता है, सहजन है, सहजन में तो नहीं स्प्रे करूँगा, वो हर हर गोपी पे करूँगा, वो कंटोला बोल रहे वहाँ करूँगा। जय गौ माता, जय की जय गुरु, जय संजय जी, जय राम जी की सत केवल साहिब।